इसका मतलब समझे दया। बहुत बहुत शुक्रिया जी भाई जी। सीन ऐसा है कि कर रहा 3 बजे से तक लाइट नहीं है, ठीक है, और मोबाइल भी बड़ी मुश्किल से मैंने जनरेटर पे चार्ज किए, और बस खैर अभी जा रहा हूँ उसद की तरफ क्योंकि मेरे जो कंप्यूटर का माउस है ना वो मसला कर गया है, तो वो लेते। भाई जी बात यह है कि कल रात 3 बजे बारिश हुई है सही दबा का, ठीक है, और इस ट्रांसफार्मर ने जो है धमाका किया है, पटाखा भी नहीं मारा, पटाखा मारता तो उससे वो ठीक हो जाता लेकिन इसने धमाका किया है, ठीक है। तो अभी वो लोग आ रहे हैं ठीक करने के लिए कि क्या सीन है क्या नहीं, और कल रात 3 बजे से लेकर अब तक तकरीबन अभी 2 बज रहे हैं, मतलब कि 12 घंटे होने ही वाले हैं और लाइट नहीं है। यार भाई जी असद की दुकान ही बंद है। खैर अभी वो पता नहीं किधर है, फ़ोन करूँ उसे 2-3 दफ़ा फ़ोन किया, फ़ोन भी नहीं उठाया उसने। यार अभी बस असद की तो शॉप बंद है, उसको कॉल की वो कॉल पिक नहीं कर रहा, शायद कहीं पे बिजी होगा घर वगैरह में। तो सीन ये है कि अभी वापस जा रहा हूँ, रिजवान की कॉल आई है, रिजवान कह रहा है कि यार मैंने आना है घर पे, तो अभी उसको कॉल कर तो उसको कहते वो आ जाए भाई, अब मैं घर पे ही हूँ। तो खैर उसको बुलाते और दूध लेकर जाते, यार चाय शाय बनाते, खुद चाय शाय पीते थे 4 बजे भी, पता नहीं लाइट होगी नहीं होगी, अल्लाह करे लाइट आ गई हो अब तक तो। यार शुक्र है लाइट तो आ गई है, ठीक है, अभी स्टार्ट करता हूँ कल की वीडियो एडिट करना, और अभी टाइम हो रहा है 3, रिजवान ने भी आना है तो चलो वो आ जाएगा, साथ साथ वीडियो भी एडिट करते और वो भी आ जाएगा। तो मैंने तुम्हें कहा ना क्या बोल रहे हो, कैसे मनाऊं पिया, बोलो ना बोलो ना। ये भाई रिजवान भाई का वजन चेक कर रहे हैं, और ये वजन है भाई आपका 95 नहीं यार तो और क्या ज्यादा होगा, नहीं अभी मोटा ही है, वो हवा में आता है उसको भी गिनती है, नहीं जिन्होंने मोटा हो गया वो बोझ का तेरा वो तो 195 सादा साल हो गया, देखें 65 65 65 है उत्तर चले गए, 5 बजे का टाइम हो रहा है, ठीक है, और अभी जाना मार्केट, कुछ चीज़ें लेकर आनी है, रास्ते में बताता हूँ आपको क्या सीन है क्या नहीं, शेविप कर लिए, नहा लिए, कपड़े शपड़े भी चेंज कर लिए, ठीक है। यार सीन ऐसा है कि अभी जा रहे मार्केट, उसकी वजूहत 2 है, मटी है यार, उसकी वजह वजूहत तो है, एक तो कोयले लेने और बारबेक्यू मसाला लेना है, तो इसका मतलब समझे दया, आज घर में बारबेक्यू का प्लान है, ठीक है, शाम के टाइम पे गोश्त वगैरह जो है वो बोटियाँ वगैरह जो छोटी छोटी काटी थी वो मैं करके आ गया हूँ, बाकी रह गया खाली बारबेक्यू मसाला और कोयले, वो लेने के लिए भी जा रहा हूँ। शिक्के काटने हैं इसे काट, इसको पैर रख के ना हाँ। यार कोयले तो ले लिए और एक ये छुरी भी लिए जो पैर भी नहीं रख के काटते, जिससे गोश्त खैर घर जाके दिखाते हो आपको। भाई रास्ते में हमें चौधरी शेर साहब मिले, उनको भी हमने घर छोड़ा है उनके, ये बहुत बहुत शुक्रिया जी, मदसर भाई ने हमें घर छोड़ा है, घर के अंदर जा रहे हैं, जा रहे अभी करके एक गिलास पानी पिलाओ, शेर भाई गिलास पानी का पिलाएं और छोटे भाई को कॉल करें, मैंने कहा आपके सामने कॉल कर कॉल कर ले। अच्छा चौधरी साहब भाई, भाई बहुत धूप है आपके चेहरे पे, बहुत धूप लग रही है, पानी आ गया भाई हमारा, ठीक है छुरी मेरा भी है, मसाला लेने के बाद मसाला कर, क्या खैर मसाला वगैरह तो ले आए, खैर यार पहले कपड़े शपड़े चेंज करते, खैर अभी चलते किचन में और डालते मसाला वगैरह बनाते जो गोश्त पे लगने हैं, ठीक है, और पपीता वगैरह भी निकाल के गोश्त पे लगाते ताकि एक घंटे का उसको टाइम मिल जाए, फिर 1 घंटे बाद तब तक हम
कोयले शोयले और अंगीठी वगैरह का इंतज़ाम फिट करके रखें। यह मेरे ख्याल से इतना मसाले बहुत है भाई, हाथ मेरे धुले हुए, टेंशन नहीं लेना, ठीक है ना? मैं तो आपको कि हाथ ही धुले हुए। बोटियाँ भी सीखों पे लग के आ गई हैं और कोयले भी हमारे चल पड़े सही तरीके से। हाँ तो जी दोस्तों, यार बारबेक्यू का अभी ख़त्म हुआ है, ठीक है, खा पी के सेवन अप पी के अभी लेटे और बस यकीन मानो बहुत पेट भरेगी है, सही ओवर खाया है, मज़े का टेस्ट भी सही मज़े का था और पका भी सही फिट है, क्योंकि इतना ज़्यादा हमने टाइम नहीं दिया मसाले को और पपीते को, इतना ज़्यादा टाइम नहीं दिया, तो हार्डली मेरे ख्याल से 45 मिनट टोटल हमने दिया है, उसके बाद मैंने पकाना शुरू कर दिया था। खैर अभी टाइम हो रहा है 8 बजे का और 7 की मुझे कॉल आई है कि यार सारे दफ्तर में आ रहे बैठेंगे, गपशप लगेगी तो आ जाए, तो मैंने कहा चलो अभी ये है कि बस कपड़े शपड़े चेंज कर, तो शराब भी पहनता हूँ और नहा भी लेता हूँ, क्योंकि यार अंगीठी के आगे वो कोयलों के आगे खड़े रह कर सही पसीना वगैरह आया हुआ है, तो नहा भी लूँगा, कपड़े शपड़े चेंज करके सीधा जाते अभी साथ की तरफ, बैठते वहाँ पर गपशप मारते, देखते कौन आएगा कौन नहीं आएगा, रात के 8 बज रहे, लेकिन खैर उसने बुलाया तो चलते हैं। अभी 8:15 का टाइम हो गया यार, अभी साथ की तरफ जा रहे, कपड़े शपड़े चेंज कर लिए थे तो देर हो गई, वो बार बार फ़ोन कर रहा है एक तो कि किधर रह गया किधर रह गया, तो मैंने कहा चल मैं आ रहा हूँ बस 10 मिनट में आ रहा हूँ, तो खैर हाँ जी यार, साथ साहब के दफ्तर में बैठे हुए खैर से, मुझे कहा था कि सारे आगे और अभी तक कोई भी नहीं आया हुआ, खाली मैं अकेला बैठा हूँ बस, तो खैर अभी वो आता है, बाकी भी आएंगे, गपशप मारेंगे, देखेंगे क्या सीन है क्या नहीं। मैं यहाँ पे ब्लॉग का एंड कर रहा हूँ क्योंकि यार मैं यकीन मानो बहुत थक चुका हूँ अभी, तो बस इनके साथ थोड़ी गपशप मार के मैं निकल जाऊँगा वापस घर, ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ और अपना ख्याल रखना, ठीक है, और सब्सक्राइब कर देना चैनल को भाई मेरे, प्लीज़ यार कुछ सपोर्ट दिखा दो आप लोग भी अपनी तरफ से, तो बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ और अपना ख्याल रखना, ठीक है।